ये हमारे लिए संतोष का विषय है। हमने बेटियों की रक्षा का काम किया है। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाए और शौचालय के अभाव में पांचवी छठी कक्षा में आते आते स्कूल छोड़ दें, हमने उस चिंता को भी किया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट बनाए ताकि मेरी बच्चियों को स्कूल छोड़ना ना पड़े, ये हमने चिंता की। बेटी की शिक्षा जारी रहे और इसलिए हमने सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें अधिक ब्याज दे करके बेटियों को सुरक्षित शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध किया ताकि परिवार भी उनको प्रोत्साहन दे। बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोन ले सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% हमारी माताएं बेटियां हैं। हमने ये काम किया है। मां बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके इसके लिए मातृत्व अवकाश में हमने वृद्धि की है, वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी कभी ज्यादा है। ये काम हमने किया है। बेटियों के लिए हमने सैनिक स्कूल खोल दिए हैं। आदरणीय सभापति जी, आप तो स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, बेटियों को वहां एंट्री नहीं थी, वो काम भी हमने कर दिया। आज सैनिक स्कूलों में मेरी बेटियां पढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी बेटियां अबला नहीं सबला है, वो सेना में जाना चाहती है, अफसर बनना चाहती है। हमने हमारी बेटियों को सेना के दरवाजे भी खोल दिए हैं और आज गर्व होता है सियाचिन में मेरे देश की कोई बेटी मां भारती की रक्षा करने के लिए तैनात होती है। बेटी को गांव में कमाई के अवसर मिले और इसके लिए हमने विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसको एक नई ताकत दी, वैल्यू एडिशन किया और बैंकों से मिलने वाली उनकी रकम में बहुत बड़ा इजाफा किया और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माताओं बेटियों को बहनों को लकड़ी के धुएं से जिंदगी में मुसीबतें झेलनी न पड़े इसलिए हमने उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया। हमारी माताओं बहनों को बेटियों को पीने का पानी के लिए जूझना न पड़े, दो दो चार चार किलोमीटर तक जाना न पड़े, हमने नल से घर तक पानी पहुंचाने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं बेटों को बेटियों को बहनों को बेटियों को अंधेरे में गुजारा न करना पड़े। इसलिए हमने सौभाग्य योजना से ऐसे गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाई। बेटी माँ बहन कितनी ही गंभीर बीमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है, उसको चिंता रहती है कि कहीं बच्चों पे कर्ज हो जाएगा, परिवार पर बोझ हो जाएगा, वो पीड़ा सहती है लेकिन अपने बच्चों को अपनी बीमारी के विषय में नहीं बताती है। उन माताओं बहनों को आयुष्मान कार्ड देकर के अस्पताल में बड़ी से बड़ी बीमारी से मुक्ति का रास्ता हमने खोल दिया है। आदरणीय सभापति जी, बेटी का संपत्ति पर अधिकार हो इसलिए हमने सरकार की तरफ से जो आवास देते हैं उसमें बेटी के राइट को निश्चित किया, उसके नाम पर प्रॉपर्टी करने का काम किया। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी माताओं बहनों को जो भी छोटी मोटी बचत कर ले, मुसीबत झेल करके बचत करना माताओं बहनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिब्बे में पैसे रख करके गुजारा करती है, उस मुसीबत में निकाल के हमने उसको जनधन के खाते दिए।
बैंक में पैसा जमा करें, इसकी व्यवस्था कर दें। और आदरणीय सभापति जी, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विभिन्न